राजनीति दिखलाना है तो वो भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर भी लड़ेंगे। और जो सामान जब्त किया है ऑन द स्पॉट यही पर लाके देना होगा। रांची के लालपुर स्थित डिस्टिलरी पुल से कोकर के बीच सड़क किनारे सब्जी फल दुकान लगाने वालों के खिलाफ मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम की विजिलेंस टीम मंगलवार को 704 ट्रक लेकर पहुंची, सड़क किनारे दुकान लगाने वालों की सब्जियों को जब्त करना शुरू किया। कई दुकानदार निगम कर्मियों की मिन्नतें करते रहे मगर उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि ये गरीबों पर अत्याचार है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सब्जी विक्रेताओं को हटाना अन्याय है। निगम की कार्रवाई के विरोध में फल सब्जी विक्रेताओं ने कोकर लालपुर रोड को जाम कर दिया। वे सड़क पर बैठ गए। सुबह का वक्त होने के कारण वाहनों की लाइन लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम करने वाले को फौरन हटा दिया। सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगाने वाले विक्रेताओं का कहना है यहां करीब 500 परिवार अलग अलग सब्जी की दुकान लगाते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से नॉन वेज यानी मछली, मीट और अंडा बेचने वालों के लिए अलग मार्केट बनाकर इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, उसी तर्ज पर सब्जी विक्रेताओं को भी स्थायी जगह मिलनी चाहिए, इसके बाद उन्हें हटाना चाहिए। वहीं टाउन वेंडिंग कमेटी टीवीसी मेंबर शर्मिला निवार का कहना है कि जब तक स्थायी रूप से दुकान बनाकर सब्जी विक्रेताओं को नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग दूसरी जगह दुकान नहीं लगाएंगे। राजनीति करना है तो वो भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर भी लड़ेंगे, नहीं चुप रहेंगे। जेल अगर जेल ले जाना है ले जाओ, पूरा राज्य का वेंडर से लेके बाल बच्चा बुतरू सब कोई जाएगा। देखते हैं किसका माइकल लाल में दम है, तो मेरा पूरा राज्य का कौन जेल में ले जाएगा, मेरा पूरा राज्य का जितना भी है राज्य का वेंडर उसका परिवार को कौन पोसेगा, हम लोग भी देखते हैं। और जो सामान जब्त किया है ऑन द स्पॉट यही पर लाके देना होगा, अगर नहीं देंगे तो हम लोग भी तमाशा करेंगे, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।